बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी डियर स्टूडेंट, आज 9th क्लास कंप्यूटर साइंस, तो इसमें जी जो उर्दू मीडियम है और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जी ये गेस हैं, तो इनको भी आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, तो इंशाल्लाह गारंटेड बात है कि आप कंप्यूटर में से कंप्लीट नंबर हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक चीज़ मैं आपको शुरू से बता दूं कि कुछ चीज़ें हैं जैसे हैं ना, ये है कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम, कि मसला क्या है, कि कोई भी जो टॉपिक होगा ना आप लोगों का, उसके मुतलक आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो डिफरेंस होगा, ठीक है, जो फ़र्क होगा, ठीक है, उसके हवाले से आप लोगों से सवाल आप जो हैं वो पूछे जाएंगे, यानी कि डिफरेंस, फ़र्क, ठीक है, इस ऐसे सवालों को आपने अच्छी तरह से करना होगा जी, ठीक है। जैसे है ये आपका जो पहला सवाल है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये दूसरा सवाल है कि मसला हल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, के व्हाट इज मेंट बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट नेम ऑफ 5 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, के 5 मराहिल के नाम लिखें। उसके बाद है मसले का तयन करने से क्या मुराद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं कुछ, तो इनको आपने अच्छी तरह से करना है जी, ठीक है। और उसके बाद है मसले का तजिया करने की तारीफ करें। फिर उसके बाद उन्हें बताया है कि एक्ट इट आउट की हिकमत अमली क्या है, यानी कि ये इंग्लिश में है, व्हाट इज एक्ट इट आउट, ठीक है जी। और टेक्निक नमूना से क्या मुराद है, और इनको भी, अच्छा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फ्लो चार्ट क्या होता है जी। अच्छा भी इसके बाद ये फ्लो चार्ट क्या होता है जी, इसके बारे में ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके बाद है कि ये फ्लो प्रोग्राम फ्लो चार्ट के लवाजमात का तयन करने के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है, या फ्लो चार्ट के लिए किन ज़रूरियात का जानना ज़रूरी है, ठीक है जी। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट आर टू नो अबाउट फ्लो चार्ट। फिर इसके बाद आ जाएगा जी टर्मिनल और प्रोसेसिंग की अलामतों में फ़र्क, जहाँ पर भी जो ये आएगा ना डिफरेंट, ठीक है जी, तो वो आप लोग ख़ास तौर पर भी उनको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना जी, ठीक है। अलगर्थम, अलगर्थम लफ्ज़ अलगर्थम कहाँ से लिया गया, ये स्टार्ट और स्टॉप के अलामत के दरमियान फ़र्क बयान करें। और इनपुट और आउटपुट क्या होता है जी, तो और इसके बाद भी जी एल्स नोटेशन, जो एल्स अलामत जो हैं वो क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। इसके बाद भी आपका इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है लॉजिक एरर, ठीक है जी, लॉजिक एरर, व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक एरर्स, और देन है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेस टेबल, और अददी निज़ाम की कितनी इकसाम है, और आशारी निज़ाम से क्या मुराद है, ये सनाई अददी निज़ाम को बयान करें, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप ऐसा समझिए कि जैसे इन में से जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि एक इंशाल्लाह 100% आपके एग्ज़ाम में होगा जी। फिर आ गया जी सनाई अदद को आशारी निज़ाम में तब्दील करने का तरीक़ेकार क्या है, ये भी, और उसके बाद ये सवाल, ठीक है। इसके बाद है मेमोरी से क्या मुराद है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट आ गया जी, ये 55 से लेकर आप लोगों का 64 तक, यानी कि बिट की तारीफ करें, किलो बाइट से क्या मुराद है, मेगा बाइट्स, और बाइट से क्या मुराद है, और पीटा बाइट, बिट और बाइट में क्या डिफरेंस है, ये व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट्स, ठीक है जी। तो इनको आपने, ये बोलीन अलजबरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। ट्रूथ वैल्यूज़ क्या होती है, ये कंपाउंड प्रोपोर्शंस से क्या मुराद है, ये ए एंड डी ऑपरेशन क्या होता है, और ऑपरेटर से क्या मुराद है, और नॉन ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ये दोनों, ठीक है, डिफाइन आर ऑपरेटर, ये चीज़ें। उसके बाद है ये वाले, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं भाई, ये अक्सर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है, इनको आपने नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। देन आपका है जी फाइल शेयरिंग क्या होती है, नेटवर्क में हार्डवेयर शेयरिंग का क्या फ़ायदा है जी,
और ये वाला सवाल आखिरी जो है ना, एप्लीकेशन शेयरिंग से क्या मुराद है? मिसाल से आपने वासे करना है जी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अच्छा, भी इसके बाद है इंटरनेट कनेक्शन की शेयरिंग से क्या मुराद है, यूज़र कम्युनिकेशन से क्या मुराद है, ये भी अक्सर सवाल आता है जी, ठीक है। इसके बाद है सर्वर और क्लाइंट कंप्यूटर के दरमियान फ़र्क। अच्छा, जिन जिन के दरमियान में डिफरेंस है ना, अभी उनको नहीं छोड़ना आपने, ये भी। इसके बाद है डेटा कम्युनिकेशन से क्या मुराद है, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल क्या होता है। और इसके बाद है जी पैगाम या मैसेज क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय मैसेज और व्हाट आर द पार्ट ऑफ द मैसेज, ठीक है जी, ये खास। और उसके बाद ये आ गया जी प्ले लोड और कंट्रोल इंफॉर्मेशन में फ़र्क, जिसके अंदर ये फ़र्क आएगा। और उसके बाद ये सवाल TCP और IP के ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन बयान करें। इनमें भी ये कुछ सवाल तो कुछ इम्पोर्टेंट हैं भी। अगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भी, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स भी कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रा मुस्करा के। तो आपकी इसी मुस्कराहट के साथ फिर बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर लॉन्ग सवाल कौन कौन से हैं, ठीक है जी। तो इसमें कुछ है, एक है सॉफ्टवेयर पायरेसी की इकसाम कौन सी हैं, तफसीली नोट। और उसके बाद है जी वैगनर साइफर तरीक़ेकार, ये वाला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, साइबर क्राइम की इकसाम है। और इसके बाद भी ये आ गया TCP और IP पर तफसील नोट, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये आपके लॉन्ग के अंदर भी और शार्ट इसकी डिफाइन भी आपसे पूछी जा सकती है, वो शार्ट क्वेश्चन के अंदर होगा जी। इसके बाद आ गया जी कम्युनिकेशन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है जी। तो काइंडली भी इस सवालात को आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, तो इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इनको तैयार करें, जो बंदे कंप्यूटर में चाहते हैं कि कम वक्त में अपनी तैयारी कर लें, तो वो उनके लिए ये एक बहुत ही सुनहरा चांस है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।